हेलो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। अभी ये एक ऐसा ब्लॉग होने वाला है, ये एक सरप्राइज ब्लॉग होने वाला है युवराज भैया के लिए, कि युवराज भैया हम लोगों को बहुत टाइम से सूरत बुला रहे हैं और हमने एरर भैया ने और नियॉन ने पीछे से प्लान कर लिया है कि अचानक से चलेंगे और युवराज भैया को देंगे सरप्राइज। तो कल हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए, वहां से उठाएंगे नियॉन को और फिर परसों हम लोग निकलेंगे सूरत के लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा एक रूम टूर आपको मैं दे देता हूँ। थोड़ी सी चीजें बिखरी हुई हैं जो कि मैंने नहीं समेटी हैं, लेकिन देख लो आप लोग। जैसे मैं अगर पीछे घूमूंगा, मैं आपको मेन वो दिखाता हूँ। ये हमारा सेटअप है और यहाँ पे कड़ी चावल रखा हुआ है जो कि हमने खाया नहीं है पूरा। ये हमारा सेटअप है और अगर आपको रूम टूर मैं दिखाऊं, इसकी स्टोरी हम करोड़ों अरबों बार डाल चुके हैं इंस्टा पे। ये एक छोटा सा बैक वॉल है और ये ऊपर थोड़े बहुत बादल वादल हैं जो कि नेट के सारे मेंबर्स ने मिल के बनाए हैं। और इसके अंदर इस दरवाजे के उस तरफ एक दूसरा रूम है जो कि हमारा बेडरूम है और वो नहीं दिखा सकते। और ये हमारा स्ट्रीमिंग रूम है, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्ट्रीमिंग रूम है, इधर सारे सेटअप लगा हुआ है ऊपर बादल की परछाइयों के बीच में, और इधर ये बैक सेटअप है। इसके नीचे एक तो हमारा वो है, मतलब एक मम्मी पापा का रूम है इस फ्लोर के नीचे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे मम्मी पापा का रूम है और साथ में थोड़ा चिलिंग एरिया है। और इसके ऊपर हमारे भाई का रूम है, बड़े भैया का, और एक उनका भी बेडरूम है। तो और उसके ऊपर टेरेस है और कहाँ हम रहते हैं ये नहीं बताने वाले हैं, और कभी फुल पूरे घर का एक वीडियो बनाएंगे, शायद 4 मिलियन पे हम बनाएं, पर देखते हैं। अभी निकलते हैं मुंबई के लिए। बाप रे बारिश। गाइज हम पहुंच चुके हैं होटल, क्योंकि फाइनली एरर भैया लेने आ गए आफ्टर लॉन्ग टाइम। खूब खूब हाय बोल दो भैया एक बार ब्लॉग में। हेलो हेलो हेलो, बस आ गए 1 मिलियन। गाइज गेम बैन हो गया, अब यही करना पड़ेगा। तो गाइज हम आ चुके हैं मुंबई और मेरी भी मम्मी का कॉल आ रहा है ब्लॉग करते करते, तो कॉल उठा लें, उसके बाद हम आप सभी से बतियाते हैं। अभी एरर भैया के साथ निकलेंगे कुछ मस्त सा खाना खाने मुंबई का लोकल। चिकन तो खा नहीं सकते क्योंकि सावन चल रहा है, लेकिन कुछ मस्त सा खाएंगे। और वड़ा पाव हमने ऑर्डर कर दिया है, वड़ा पाव आ रहा है, होटल का ही वड़ा पाव खाएंगे। फिर मिलते हैं आपको सीधा शायद सूरत में। सी ओ आर नियॉन इज हियर, लड़की से शर्माते हुए। और नियॉन, और नियॉन सर भेजिए, और क्या ब्लॉग नहीं बनाऊंगा यार, अब बीजीएमआई बैन हो गया, कहीं से तो पैसे निकालने हैं ना। ये कितनी मस्त फोटो ली है, फोटो क्या ली है, कहीं डालना नहीं? अच्छा नहीं डालनी है साले, मैं किस लिए शांत बैठा हूँ, युवराज भैया को पता चल जाएगा। हाँ सहारा गया, समझ रहा है। और यहाँ पे पीछे पूरा समुद्र है, एकदम समुद्र मंथन। यहाँ मिलती है। और ये एक ओपी ब्लॉग है, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक। ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसे कौन ब्लॉग बनाता है, कैसे दिखाइए, ऐसे ब्लॉग बनाते हैं हिलका एनर्जी में। सो हेलो गाइस, आज हम आए मुंबई वाले ताज, तो यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर हम पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं, यहाँ पर पीछे से ली थोड़ी सी चुम्मा चाटी, तो वहाँ पर देखने का मैं डाल दूंगा ब्लॉग में। तो चल ही रही है मेरी कराची से मैं यहाँ आया था, यहाँ मुझे लगा था कि ताज के बारे कुछ चलता नहीं है, बट यहाँ पर तो इंटेंस मूवमेंट चल रहे हैं, यहाँ पर तो लोग एकदम भीगे होंठ, थोड़े देर बाद भीगे होंठ करने के बाद फिर प्यासा दिल मेरा। और ऋषभ भैया को यहाँ कोई लड़की मिल रही है? नहीं नहीं, मैं ब्लॉग में वो पार्ट दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर वो पार्ट अगर मैं ब्लॉग करूं प्यार। तो गाइस पूरी रात मस्ती करने के बाद मुंबई में हम निकले वापस होटल के लिए, और वहां पे हम थोड़ा आराम किए, थोड़ा सा ही आराम करे थे, लेकिन सबकी शक्लें एकदम लटकी हुई थी क्योंकि सब बहुत ज्यादा थक गए थे, रात भर से कोई सोया नहीं था। और फिर थकने के बाद और थोड़ी बकलोली के बाद सहारा घूमा और निकल गए हम सूरत के लिए।
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहा। तो गाइज युवराज भैया को सरप्राइज देने के बाद हमने बहुत सारी बातें की मिलके बैठ के, क्योंकि बहुत कम टाइम हम लोगों को मिलता है, बहुत कम बार हम लोग मिल पाते हैं, साल में एक दो बार ही, तो मिलके बहुत सारी बातें की, सब खुश हुए बहुत। और फिर हम निकले सूरत में बीच घूमने के लिए, क्योंकि सूरत का बीच बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हमने तैयारियाँ की और सारी की सारी मंडली निकल पड़ी बीच घूमने। भाई ये भैया जी अखबार पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी सूरत में है, सुबह सुबह 6:30 बजे और निकल रहे हैं बीच के लिए। शक्ल को इग्नोर कर रहा हूँ, वैसे इग्नोर कितना ही करोगे ऐसी है हमारी शक्ल। और साथ में हमारे नियॉन है जो कि ज़्यादा कंटेंट देता नहीं है, वो स्मार्ट पता है, नियॉन स्मार्ट। तो हम निकल रहे हैं बीच के लिए, बीच चलेंगे, मज़े करेंगे, चिल करेंगे, हिल करेंगे। बेखबर या सब खबर, एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर, पर्दों में मैं रख लूं तुझे, ये दिल तेरा आना जाए कहीं ये गैर पर, हम भोले हैं शर्मीले हैं, हम हैं जरा सीधे मासूम इतनी खैर कर। गाइस बीचम बीच पे आ गए हैं, हम जा रहे हैं बीच पे, बस यही करने तो आए हैं, मजा करेंगे थोड़ा। BGMI बैन हुआ है तो 4-5 दिन दिमाग ठंडा करने के लिए कहीं तो जाना ही पड़ेगा। सूरत आए थे, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। गाइस पानी दूर है, ऐसा लग रहा है ना मैं कुछ 12-15 दिन से सोया नहीं हूँ और मुंह भी नहीं धुला है मैंने। पानी बहुत दूर है अभी और पानी हम लोग लगता नहीं जब तक हम लोग सूरत में, तब तक पानी है। पिछली बार तो भैया यहाँ तक पानी था, ये मंदिर है ना ये। तो गाइज हम फाइनली पहुँच गए सूरत बीच पर, जहाँ पानी थोड़ा सा दूर था लेकिन हमारे खास लोग हमारे बहुत ज़्यादा पास थे। एक छोटा सा मीटअप हुआ, कुछ लोगों ने हमको वहाँ पे पहचान लिया था तो उनके साथ फ़ोटोज़ वोटोज़ हुई। साथ में कुछ ऊँट देखने को मिले, गाड़ियाँ चलती देखने को मिली और साथ ही दिखी कुछ प्यारी प्यारी फैमिलीज़ जो ब्रेकफास्ट करने आई थी बीच पर। और एरर भैया की प्यारी स्माइल के साथ हमको कुछ देखने को मिले और फिर हमको देखने को मिले खतरनाक इंसान। जी हाँ सर, आपने मीडिया में बैन क्यों किया? उसके बाद हमने कुछ फैमिलीज ऐसी भी देखी जो बीच के किनारे साउंड स्पीकर लगा के मस्त डांस कर रही थी सुबह सुबह 6:30 बजे। मतलब अगर रियल खुशी कहीं है तो इस फैमिली के पास है, यही इनसे पूछना पड़ेगा। फिर हम निकले घर के लिए जहाँ भाभी ने बहुत ही प्यारा प्यारा गुजराती नाश्ता बनाया हुआ था, तो हमने वो प्यारा नाश्ता सबने मिल के एक ही थाली में हौंका हौंका बोले तो खाया। और हमेशा की तरह ख्याति भाभी ओपी, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना, बढ़िया खाना खिलाती हैं वो जब भी हम उनके पास जाते हैं। और फिर हम निकले, अभी हम जा रहे हैं VR मॉल, थोड़ी करेंगे शॉपिंग और उसके बाद एक छोटा सा मीटअप रखा है। स्टोरी पे मैंने बोल दिया था जिसको मिलना है, सूरत से लोकल है तो मिल सकता है, तो उन लोगों से मिलेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा कुछ खाना खाएंगे और फिर चले आएंगे घर वापस।
आज शाम को युवराज भैया ने छोटी सी पार्टी अनाउंस करी है जिसमें हम चार ही इन्वाइटेड हैं, बाकी और कोई नहीं। तो शाम की पार्टी होगी जिसका फुटेज हम घंटा तुम लोग को नहीं दिखाने वाले हैं और फिर उसके बाद कल हम लोग का भी कोई प्लान नहीं है कि कल कहाँ जाने वाले हैं। कल का दिन है, परसों का दिन है सूरत में, फिर 3 तारीख को शायद मैं मुंबई एक दिन और रुकूं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुंबई एक दिन रुक के जाऊं, फिर पहुंचेंगे 4 तारीख को कानपुर और फिर करेंगे स्ट्रीम। तो गाइस हम लोग आए थे, थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है और ये देख लो, ये सूरत का वो है, कहाँ पे है वो देखिए भैया, वो कितना अच्छा लग रहा है कपड़ा। हाँ वो देखो सर, ये देखो गाइस, ये भैया पूरे जॉनी लग रहे हैं यार, सामने से भी लग रहे हैं। सामने से दिखाऊं क्या? पलटा देंगे कहीं के काम ही उनका पलटाने का है भाई। अबे पूरे जॉनी लग रहे हैं। शॉपिंग हो गई है डन और वो भैया वाकई में पूरे जॉनी लग रहे थे। वो अगर अपना काम कर देते, अपना पक्का काम कर देते, तो हमारे काम हो जाते, तो हमारा आगे खुल जाते सारे, तो हमारा काम 35 हो जाता, 25 नहीं वो 35 करते हैं, छोटे मोटे लोग 25 करते हैं, वो 61-62 करते हैं सीधा। तो गाइस अभी देखो हम लोग ने शॉपिंग कर ली, अब जा रहे हैं फूड कोर्ट में, देखते हैं कोई आया है कि नहीं मिलने, अगर नहीं आया होगा तो सीधे गाड़ी पकड़ के निकल जाएंगे। तो गाइस शॉपिंग के बाद हमने जैसा कि स्टोरी डाली थी कि जो लोग भी सूरत में रहते हैं वो आके मिल सकते हैं, तो काफ़ी लोग मिलने आए, बहुत दूर दूर से मिलने आए, कुछ तो साइकिल से मिलने आए, कुछ बच्चे मिलने आए, कुछ बड़े मिलने आए। तो गाइस मतलब ये देख के हमको बहुत ही खुशी होती है कि इस जीवन में कुछ भी कमाया हो ना कमाया हो, आप सबका प्यार कमाया है और आप लोग हमेशा मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं और बिल्कुल भी मिलके ऐसा नहीं लगता है कि हम पहली बार मिले हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमको बनाया है और सालों से हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम वीडियोज़ के रूप में इनको प्यार अपना दिखा रहे हैं, तो हम लोग का बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। खूब सारी बकलोली हुई, हम लोगों ने गप्पे मारे और एकदम ऐसे थे सारे मीटअप वाले लोग जैसे हम लोग बहुत ही पुराने दोस्त हों, और एकदम नया सा नहीं लग रहा था, सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही पॉजिटिव वो टाइम था। साथ में कुछ बच्चे भी आए मिलने बहुत दूर दूर से, जिनको हमने मतलब जिनके साथ हमने सेल्फीज ली, फिर पहुंचे घर और आगे देखिए। साले मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो नाक में उंगली डाल रहा है नाक में उंगली ऐसे कर रहा है, ठीक है। पहले तूने नाक में उंगली यूं करी है, फिर उसके बाद अपने वही उंगली अपने पिंपल पे लगाई है, अब इससे बढ़ेगा नहीं। तूने ऐसे अंदर किया है, नाक की मेरे है ही नहीं नाक यार, कहाँ कटवाया है, नाक कटवाया है, कहाँ। अब गाइज स्क्रीन में जो आप प्यारी प्यारी बच्ची देख रहे हैं, इसका नाम है प्रेशा और ये हमारी पूरी फैमिली के लिए, सूरत फैमिली के लिए बहुत ख़ास है, सबसे प्यारी और ख़ास मेंबर है, जिसके लिए हम लोग कुछ गिफ्ट्स लेके आए वीआर मॉल से, और इसके चेहरे पे अगर स्माइल आती है तो भैया भाभी और पूरी अंतर्यामी फैमिली के चेहरे पे स्माइल आती है। और इसके बाद जो ये बच्चा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये बिल्कुल प्यारा नहीं है अपने को नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारा है लेकिन शरारती एक नंबर का है, इधर उधर मतलब इतनी एनर्जी अगर मेरे अंदर आ जाए तो मेरे 4 मिलियन नहीं 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं कुछ ही टाइम में। बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, इधर उधर उछलता रहता है और हम सबको एक्टिव रखने वाला निसर्गी है। तो गाइज अभी ये क्या कहते हैं निसर्ग रोने लग गए क्योंकि हम लोग एक जा रहे हैं मतलब अच्छी जगह, फन गेम्स टाइप का, फन सिटी जैसी होती है, बच्चों के गेम्स होते हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं और हमने निसर्ग से बोला है कि हम उसको नहीं ले जाएंगे, नहीं रहने दो यार, हमने निसर्ग से बोला हम उसको नहीं ले जाएंगे और परीक्षा को लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे भोपू बजा रहे हैं सर मैं उससे बोल रहा हूँ कि मस्त हम लोग बोलिंग करेंगे, मजा आएगा, मजा और परीक्षा को, परीक्षा इंटरेस्टेड नहीं है इतना, लेकिन वो हाँ परीक्षा को पता है मेरे को लेके जाएंगी जाएंगी, वो देखो मना रहे, देखो आया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख निसर्ग मैं रिकॉर्ड
तो गाइज निसर्ग को रुलाने के बाद हम पहुंच गए फन जोन में, जहां पे बोलिंग था और काफी सारी चीजें थी जो हमने की। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा बाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर कर कितना शोर कर बेवजह बातों पे। खूब मजे आ रहे हैं बॉलिंग की हमने, और अभी हमने ये रेस भी किया बॉलिंग भी की। बॉलिंग में नियॉन ने सबसे ज्यादा हगा, नियॉन लास्ट आया, तो उसके बाद ये देखो बच्चा पार्टी के साथ रेस कर रहा है। घोड़ा दोनों में हरा है, कौन जीता? अब गाइज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हमको स्क्रीन पे आना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करने वाले हैं अपनी ख्याति भाभी के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग सूरत जाते हैं वो पूरा टाइम सुबह से शाम तक बस यही देखने में बिता देती हैं कि हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग अच्छे से खा रहे हैं, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं सूरत में, और बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं हमारा एकदम माँ जैसे। तो हम लोगों का प्लान ये हुआ कि जब हम सबके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं तो क्यों ना भाभी जी के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेके जाएं। और हम लोग भाभी के लिए हम लोगों ने एक प्यारा सा गिफ्ट लिया जो कि अभी आप देखोगे। क्या है? हम लाए घड़ी, ये भाभी के लिए लिया है हमने। अरे पागल, अरे भैया आप देखिए, भी बोलिएगा नहीं कुछ, ये आपके लिए। क्या उल्टा उल्टा? मैं नहीं लेने वाला। अरे भाभी अब ऐसा मत करो, हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे, हमें क्या है। अरे पागल हो गया। अरे आप हम एक बार देखिए कैसा है। उनसे हमने शॉप पे पर्सनली बात करके वो आपको जानती थी, फिर पूछा कि भाभी को क्या अजीब मासी लगती है। हाँ तो उनसे ही हमने पूछा कि भाभी को क्या अच्छा लगेगा, तो उन्होंने सजेस्ट किया। फिर ये बार निकालिए ना, एक बार ऐसे लगा के तो पता भी नहीं था, तो मैं उसी समय बोल रहा था। तो इस गिफ्ट के बाद भाभी हमको लिटरली थोड़ा खुश दिखी, मतलब वो तो हमेशा खुश ही रहती हैं, और उन्होंने हमको पहन के दिखाया वो गिफ्ट की कैसा उनको लग रहा है। सही है, प्रिटी लग रहा है भाभी, अच्छा लग रहा है। अरे वो था इतना सुंदर, वो मासी दिखाने आई थी, मेरी मासी बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है उस वक्त तो मेरे को कितना। अरे यार सच्ची में अच्छा लग रहा है, डायमंड का गोली थी, अच्छा लग रहा है। तो गाइज भाभी को खुश करने के बाद हमारे सर पे कुछ जिम्मेदारियां और भी हैं, वो हैं हमारी फैमिली की। और हम सूरत गए हैं तो हमने सुना है कि वहाँ पे जो मतलब ऐसा होता है साड़ियाँ सूट्स, मतलब जो हम लोग मम्मी और दीदियों के लिए ले सकते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं सूरत में। तो भाभी को खुश करने के बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए भाभी के साथ ही, क्योंकि भाभी की राय ज़रूरी थी कि क्या लें। तो हमने वहाँ पर कुछ अपनी मम्मी के लिए ख़रीदा, कुछ मासी जी के लिए ख़रीदा, कुछ रक्षाबंधन आ रहा है तो अपनी बहनों के लिए ख़रीदा सूरत से बहुत प्यारी प्यारी चीज़। और फिर हम वहाँ से शॉपिंग करके आए और लग गए थोड़ी सी मस्ती में, जहाँ हमने निसर्ग के साथ पहिया घुमाया और खूब मस्ती की साथ में। गाइस दिन बीत गए हैं सूरत के मस्ती से, और अब हम लोग आए हैं सूरत के लास्ट डिनर पे। कल वापस मुंबई जाएंगे, और मुंबई से फिर कानपुर, और फिर रेगुलर स्ट्रीम। BGMI कम खेलना पड़ेगा, दूसरे गेम्स ज़्यादा, और आज लास्ट डे है डिनर। से बाय टू भैया, बाय। गाइस पीछे चल रहा है एक छोटा सा फोटो सेशन, जहाँ पे एरर भैया है, निसर्ग है, परेशा है, भाभी पीछे बैठी है, मेरे से नहीं दिख रही, और ये युवराज भैया, और इधर बगल में नन्नू। अरे भाई ऋषभ ज्यादा ग्रेट, क्या फोटो खींची है ये। मैं फोटो खींचता हूँ, अच्छी फोटो, नंबर फोटोग्राफर भाई, कोई बड़े से बड़ा आदमी जो दुबई का शेख, वो मैसेज करना है इनको। दुबई के शेख मेरे को क्यों मैसेज करे? और स्ट्रीमर की जरूरत हो तो मसूरी का नाद है, अभी तो गा रहा था, आता है तो सही गा रहा था, आधा गाना है, आधा सुना, आधा सुना। अगला जोर से जहर बने हाँ तेरी पिज्जा वा मैं पूरी, सही गा रहा है, सही गा। आनसिया नहीं आया,
दिल बात बात पे टकराया, डागा बोल के रस जावे कागा चूरी पूरी नू रावा चू बाबा चू दुल का मैंने कोई ना रोके तेरे डोलने जदाइया जी तेनु खबर की ने होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। अरे वाह यार। तो हम सब डिनर कर रहे हैं गाइस, और अभी डिनर आया नहीं है, हम सब ऑर्डर कर रहे हैं, और यहाँ ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही खाना खाने आई है। ये दुनिया सोने भी है, फुल एकदम भरा हुआ है। और ये हमारा लास्ट डे है सूरत में, लास्ट डिनर सूरत में, फिर उसके बाद दोबारा से वही कानपुर दे चिकन देश सावन खत्म होते ही हम टूट पड़ेंगे, दो चार मुर्गे तो मार देंगे कसम, खुद ही मार के खा जाएंगे तुरंत। तो सावन खत्म होते ही हम करेंगे चिकन डिनर। तो गाइस सूरत में इतने प्यारे दिन बिताने के बाद हमने भैया भाभी को बाय बोला और निकल आए वापस कानपुर, और दोबारा से वही जिंदगी, दोबारा से डेली स्ट्रीम्स और काम, यही सब। बस एक चीज़ आपसे कहनी है कि बहुत बहुत शुक्रिया, हम जहाँ जाते हैं आप लोग हमको बहुत प्यार देते हो, हमारी एक स्टोरी पे बहुत सारे लोग मिलने चले आते हो, और आज तक जो भी आप लोगों ने किया है हमारे लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोगों को खुश रखें, एंड लव यू ऑल।